राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने मेकअप ब्रशेस, स्पॉन्ज और जितने भी आपके ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं, स्किन की क्लेंजिंग करने के लिए जितने भी पफ वगैरह होते हैं, मेकअप रिमूवर होते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि ये सब अगर गंदे रहते हैं और फिर हम इनसे मेकअप करते हैं तो हमारे चेहरे पे एलर्जी हो सकती है, पिंपल निकल सकते हैं, दाने आ सकते हैं। तो इसको साफ़ करने का सबसे अच्छा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक बर्तन में सारे ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेज और जितने भी स्पॉन्ज वगैरह थे सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हॉट वाटर, एकदम बॉयल्ड वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि पानी थोड़ा कम पड़ गया था। अब इसको अच्छी तरीके से मैंने इसमें डुबो दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 ढक्कन वाइट विनेगर, जो चाउमिन वगैरह में पड़ता है, वो तो सभी के घर में अवेलेबल होता है अक्सर, तो वो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ 2 ढक्कन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 शैम्पू पाउच। आप कोई भी शैम्पू ऐड कर सकते हैं, अगर शैम्पू नहीं डालना चाहते हैं तो आप अपना फेस वॉश या फिर बॉडी वॉश भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो मैंने यहाँ पे 1 पाउच शैम्पू ऐड कर दिया है। अब इसमें जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप भिगो करके नहीं रख सकते हैं, उनको तो आप तुरंत अभी साफ़ कर लीजिए, बाकी आपको भिगो करके छोड़ देना है। जैसे मेरा ये आईलेस कलर है तो इसको मैं अभी ही साफ़ करके हटा दूंगी, क्योंकि इसको भिगो के रखेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अभी तुरंत ही साफ़ किया और इसको हटा करके साइड रख दिया। हाथ से ही नॉर्मली साफ़ कर लिया क्योंकि ज़्यादा गंदा भी नहीं था, बस इसमें थोड़ा आईलाइनर आईशैडो वगैरह लग जाता है कर्ल करने में, तो वही बस रिमूव करना था, वो मैंने हटा दिया है। अब साफ़ पानी से धुल के अलग रख दूँगी। अब बचे ये ब्रशेज पर बचे हैं, ब्यूटी ब्लेंडर बचे हैं, स्पॉन्ज बचे हैं, और ये मेकअप रिमूवर जो होता है वो बचा है। तो इन सबको साफ़ करने के लिए हमें इसको भिगो करके रखना होगा ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें जो कुछ भी लगा है गंदगी सब निकल आए बाहर। और इसको आराम से 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ के रख दीजिए। मैंने कम से कम 5 घंटे इसको भिगो करके छोड़ दिया, सारा अपना काम वाम दिन भर का निपटाया, उसके बाद शाम को मैंने इसको दोबारा धुला है। तो आपको अभी इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कर सकते हो तो हाथ से भी थोड़ा बहुत निचोड़ निचोड़ के इसको दोबारा से रख दीजिए, ताकि कुछ हेल्प आपके हाथों से भी इसको मिल जाए और कुछ बाकी भीग के कर ही लेगा खुद को साफ। तो अब मैं इसको रख करके छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फाइनली 5 घंटे बाद जब मैंने इसको देखा तो ये इस कंडीशन में था, पानी एकदम क्लाउडी हो गया था, पूरा फाउंडेशन ब्रश ऑन सब कुछ निकल चुका था। फिर मैं इसको एक वॉश बेसिन के पास लेकर आई, पानी पूरा पलट दिया और टैप के नीचे एक एक करके सारे मैंने स्पॉन्ज वगैरह धुले रगड़े और इनको निचोड़ती गई, ये अपने आप साफ़ होते गए और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया ये एकदम। बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस पानी के नीचे ऐसे निचोड़ना पड़ा और ये एकदम से साफ़ होता गया। अब इसके बाद मैं इसको ब्रशेज को साफ़ करूँगी। ये वाले में दाग लगे हुए हैं तो दाग तो नहीं हटे इतने अच्छे से, लेकिन गंदगी इसकी पूरी हट गई। दाग कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जिनको पहले मैंने रिमूव करने की कोशिश नहीं करी तो वो दाग नहीं हट पाए कुछ चीज़ों से, लेकिन जो गंदगी थी वो पूरी तरह से साफ़ हो गई। पानी देखिए एकदम साफ़ निकल रहा है। अब इसके बाद बचे ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर पे मैंने ये जो ब्लू वाला ब्यूटी ब्लेंडर था इस पर मैंने एक ब्यूटी हैक किया था, तो वो तो वो स्टेन तो नहीं छूट रहा है, लिपस्टिक का लगा हुआ है वहाँ पे, वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगाई थी मैंने, वो स्टेन तो नहीं छूटा, लेकिन जो दूसरा स्पॉन्ज था ब्यूटी ब्लेंडर था वो पूरी तरह से साफ़ हो गया। अब जो दाग हैं वो तो नहीं छूट रहे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन ब्लेंडर के अंदर की गंदगी पूरी निकल गई है, जो फाउंडेशन भर जाता है इसके अंदर वो पूरा निकल चुका है। कुल मिला के ये यूज के लिए हैं, अभी गंदे नहीं है बिल्कुल भी कि आपके चेहरे पे नुकसान करें। ये ब्रशेस देखिए अभी भी सफ़ेद सफ़ेद इसमें से फाउंडेशन निकल रहा है, इनको अच्छे से पानी के नीचे मैं धुल रही हूँ ताकि जो बची हुई गंदगी है वो भी निकल जाए। दूसरे ब्रशेज की हेल्प से, दूसरे स्पॉन्ज की हेल्प से आपको इस तरीके से धुलना है। अभी ये स्टेप आपका खाली इतने में नहीं कंप्लीट हुआ कि आप इसको खाली भिगो के रख दिया हो गया, नहीं, इसको धुलने में दोबारा भी मेहनत आपको करनी होगी। इसको काफ़ी अच्छे से स्प्रेड कर करके आप यूज कर करके देखते रहिए कहीं इसमें से कलर तो नहीं निकल रहा है। मेरे से बस एक गलती होगी, ये पिंक कलर का था, मैंने इसी के ऊपर सारे ब्रशेज रगड़े तो यहाँ पे एक स्टेन आ जाएगा जो मेरा लास्ट तक नहीं छूटा। मैंने उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, वो स्टेन परमानेंट जैसे हो गया हो, लेकिन मैं जब इस पर सर्फ वगैरह या किसी चीज़ से धुलूंगी तो वो स्टेन भी हट जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको साफ तो हो ही गया था ऑलमोस्ट, तो मैंने दोबारा मेहनत नहीं करी इसको छुड़ाने की। इसमें एक्चुअली में दाग लग गया है, जो आलता होता है ना पैरों में लगाया जाता है, वो मैंने एक ब्रश से लगाया था, तो वही आलता को छुड़ाने के चक्कर में मैंने इसका
इस्तेमाल किया ब्यूटी ब्लेंडर का और वही दाग इस पर लगा रह गया जो छूटा नहीं, वो मैं बाद में धुल करके साफ़ कर लूँगी। लेकिन बाकी चीज़ें पूरी तरह से साफ़ हो गई, ब्रशेस भी अच्छे से साफ़ हो गए। अब इसका आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब सारी चीज़ें धुल गई उसके बाद मैंने एक साफ टॉवल ली, सूखी ड्राई टॉवल ली, उसके बाद सारे स्पॉन्ज वगैरह इसी पे रख दिए और उससे अच्छे से डैब डैब कर करके इससे दबा दबा के सारा पानी इसका सोख ले लिए और इसी में लपेट करके खोल करके जैसे भी मुझे पॉसिबल लगा मैंने इसको साफ़ किया और उसके बाद इसको रख दिया ताकि ये रात भर में जितना पानी है इसका सूख जाए और धूप में भी ये थोड़ा सूख जाएगा और इसके जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी किल हो जाएंगे धूप में रखने से। तो मैंने इसको इस तरीके से साफ़ किया टॉवल से, अच्छे से इसको रगड़ा ब्रशों को इसके ऊपर ताकि जो अंदर की गंदगी है पानी है वो सब ये टॉवल एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद मैंने इसको धूप में रख दिया और ये रात भर में अच्छे से सूख जाएगा, गंदगी निकल जाएगी और धूप से इसके बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे और आपका ये रेडी टू यूज हो जाएगा। आपको भी इसी तरीके से घर पे अपने ब्रशेस साफ़ करने हैं ताकि आपके चेहरे पे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, चेहरे पे पिंपल ना निकले और सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो होती हैं ब्रश की वजह से वो ना हो। तो ऐसा करती हूँ आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा ब्रशेज और स्पॉन्ज और ब्यूटी ब्लेंडर को साफ़ करने का। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे लिख भेजना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।